भारत में बड़े पैमाने पर बुखार, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पेट में संक्रमण आदि स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जिन दवाओं का आप इस्तेमाल रोजमर्रा के दौर में करते हैं, असल में उनकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। जी हाँ, इतना ही नहीं, बहुत सी ऐसी दवाएं तो नकली हैं जिन्हें बड़ी कंपनियों के ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। ये खुलासा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने अपनी हालिया मासिक रिपोर्ट में जारी की है। CDSCO ने अपनी साइट पर एक लिस्ट यानी कि रेफरल जारी किया है जिसमें बताया गया है कि पैरासीटामॉल, पेंडी और कैल्शियम सप्लीमेंट सहित 50 दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी चेक में फेल हो गई हैं। जाहिर है, इन दवाओं का उपयोग जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता था, सुरक्षा संबंधित चिंताएं अब जो है वो पैदा होनी शुरू हो गई है। अब एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के एमिरेट्स अध्यक्ष ने इसे लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि हम दुनिया की फार्मा राजधानी हैं और ऐसे समय में अगर दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठता है तो यह बुरी स्थिति है। संक्रामक रोग विशेषज्ञ और एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के एमिरेट्स अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर गिलाडा ने कहा है कि CDSCO ने 53 नकली दवाओं का पता लगाया है। मुझे यह मामला बहुत गंभीर लग रहा है क्योंकि हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ हम दुनिया की फार्मा राजधानी हैं और हमें ऐसे में यह पता चलता है कि हमारी दवाओं के नाम खराब है, तो यह एक बुरी स्थिति है। उन्होंने आगे कहा है कि पहली बार हमारे पास ऐसा मंत्री है जो रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य का प्रभारी है। यह अच्छा है क्योंकि मंत्री प्रभावशाली हो सकते हैं और मंत्रालय को कार्रवाई करनी चाहिए। इंडियन ड्रग्स रेगुलेशन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में गुणवत्ता परीक्षण में फेल बताई गई पैरासीटामॉल सहित 53 दवाओं को कंपनियों ने नकली बताया है। दवा कंपनी सन फार्मा और टोरेंट फार्मा ने दावा किया है कि रिपोर्ट में फेल बताई गई दवाएं हमारी कंपनी की नहीं है, उनकी कंपनी की दवाओं की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट में पैरासीटामॉल, कैल्शियम और विटामिन D3 की सप्लीमेंट, मधुमेह की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं सहित 50 से अधिक दवाओं को औषधि नियामक द्वारा किए गए गुणवत्ता परीक्षण में फेल बताया है। वहीं नहीं, आपको ये भी बता दें कि इसे लेकर सन फार्मा कंपनी की ओर से कहा गया है कि कंपनी ने मामले की जांच की है। इसमें पाया गया है कि पैरासीटामॉल सिल्डेनाफिल इंजेक्शन बैच नंबर KFA 0300 पेंटोसिड टैबलेट जो है वो बैच नंबर SID 2041A और उर्सोकोल 300 जैसे टैबलेट है वो बैच नंबर है GTE 1350A नकली है। इन बैच की दवाओं को सन फार्मा ने नहीं बनाया है। कंपनी की ओर से ये भी कहा गया है कि हम मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। हमारे दवा ब्रांड पर QR कोड रहता है जिससे मरीज आसानी से उन्हें स्कैन करके प्रमाणिकता सत्यापित कर सकता है। इसके अलावा हमने सुरक्षा के लिए एक 3D सुरक्षा पट्टी भी शामिल की है। वहीं टोरेंट फार्मास्यूटिकल ने कहा है कि हमने शेकल्स 500 के उसी बैच का मूल्यांकन किया है जिसका CDSCO ने परीक्षण किया था। हमने पाया कि जब्त किया गया नमूना टारगेट से नहीं बनाया है, यह नकली है। कंपनी ने सेलक पर QR कोड लागू किया है इसकी प्रमाणिकता को सत्यापित करने के लिए बैच विनिर्माण विवरण प्रदर्शित किया गया है। वहीं CDSCO द्वारा जब्त किए गए नमूने में यह QR कोड नहीं है। वहीं अल्केम लेबोरेटरीज के प्रवक्ता ने कहा है कि दवा कंपनी गुणवत्ता को अत्यधिक महत्व देती है। रिपोर्ट में फेल बताए गए उत्पादक नकली हैं और अल्केम ने नहीं बनाए हैं। कंपनी इस मामले पर अधिकारियों से बातचीत कर रही है। ग्लेम मार्क के एक प्रवक्ता ने कहा है कि सूची में दिखाया गया उत्पाद नकली और भ्रमित करने वाला है। इसके साथ ही ग्लेन मार्क द्वारा निर्मित वितरित नहीं किया गया है। हमने जिम्मेदार संगठन के रूप में हमेशा मरीज की सुरक्षा और उत्पादकों की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी है। प्रवक्ता ने कहा है कि हम सभी फार्मेसी आउटलेट से अपील करते हैं कि वे हमारे अधिकृत स्टॉकिस्टों से ही ग्लेन मार्क उत्पाद खरीदें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।